हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड सम। आज मैं शेयर करूंगी फूलगोभी के पकोड़े की रेसिपी। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है, लेकिन मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनता है। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। फूल गोभी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है आधा गोभी, जिसको मैंने ऐसे पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। इसको पतला ही काटिए, ज़्यादा मोटा काटेंगे तो ये अंदर से उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो इस तरीके से थोड़े पतले स्लाइस में इसको काट कर ले। और डीप फ्राई होगा तो उसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और पानी, जिससे कि बैटर बनाएंगे। और एक कप के करीब मैंने बेसन लिया है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और 2 टेबलस्पून सूजी लिया है। सूजी से ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक लेंगे स्वाद के हिसाब से। आप चाहे तो अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखा था, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिला ले, उसके बाद इसमें गोभी को ऐड कर दें। गोभी को आधा कुक करना है, इसमें फुल कुक नहीं करेंगे, बस 50% कुक करेंगे। तो इसको ढक के आधा कुक होने दें। देखिए ये थोड़ा सा कलर थोड़ा सा गोभी का चेंज हो गया है। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड किया है क्योंकि फूल गोभी इससे फीका फीका नहीं लगता है। इसको मसाले के साथ बॉयल करना चाहिए, मसाला और नमक के साथ, तो ये अंदर से भी उतना ही टेस्टी बनता है। तो इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको बॉयल कर ले आधा। अभी बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए एक बड़े से बोल में बेसन, कॉर्नफ्लावर और सूजी और आधा अदरक लहसुन का पेस्ट इधर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और कलौंजी, आप चाहे तो अजवाइन डाल सकते हैं, स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको पहले थोड़ा सा मिक्स करके उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। सूजी डालने के कारण ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। चावल का आटे से उतना क्रिस्पी नहीं होता है। तो इसको चलाते रहे जब तक ना सारे लम्स ख़त्म हो जाए। और इसका कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा वो मैं दिखाऊंगी। देखिए चम्मच कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए कि जी चम्मच से आप लोग घोल बना रहे हैं वो चम्मच के चम्मच पे थोड़ा सा कोटिंग जैसा लगा रहा है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए इधर एक कोटिंग बना हुआ है, नहीं तो ये गोभी के बाहर जो कोटिंग होता है वो ठीक से नहीं आएगा और पतला हो जाएगा बैटर। और ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, इस तरीके का रखना है जैसे कि चम्मच पे कोटिंग सा बना रहे। इधर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, इसको चेक कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हुआ कि नहीं। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। देखिए ये चम्मच के बाहर एक कोटिंग लगा है, मैंने बाद में 2 टेबलस्पून पानी और ऐड किया था क्योंकि सूजी डालने के कारण वो बाद में फूल गया था बैटर। देखिए ये तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब तेल मीडियम गरम है। मीडियम जब गरम रहे तभी हम लोगों को पकोड़े को तेल तलना है, नहीं तो वो बाहर से नहीं पकेगा। इस तरीके से बेसन की घोल में इसको डिप करके तेल में छोड़ना है और फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए अच्छे से और बाहर से भी बहुत क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम को हाई रखेंगे तो उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको लो फ्लेम पे हम लोग एक तरफ से 7 से 8 मिनट फ्राई करेंगे, यानी कि जब तक ना अच्छा सा रेड कलर आ जाए इसमें। एक साथ बहुत सारे नहीं डालेंगे, जितना आता है उतना ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो एक के साथ एक जुड़ जाएगा ये।
छः से सात मिनट बाद ये एक तरफ से जब हो जाए तभी इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। और इसको बैटर को बनाने के बाद 15 मिनट के लिए उसको रेस्ट पे रख दें, उसके बाद ही इसको फ्राई करें। देखिए ये फ्राई हो चुका है, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो अभी इसको कोई भी किचन टॉवल पे निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो पेपर पे चला जाए। मैंने सारे पकोड़े को निकाल लिया है उस और इस ये पकोड़े गरम रहते रहते इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला या फिर थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर दे तो ये और भी टेस्टी हो जाता है। और इसी तरीके से बाकी के पकोड़े भी तल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इवनिंग स्नैक्स के लिए चाय के साथ गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, मैंने जैसे जैसे बताया है। आई होप कि अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।